बिहार सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चलें, कल बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। आरजेडी के 17, जेडीयू के 13 और कांग्रेस के 3 एमएलए बनेंगे वजीर। आरजेडी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी हो सकते हैं स्पीकर। तो आपने देखा था किस तरीके से बिहार में सियासत तब्दील हुई, एनडीए की सरकार टूटी और फिर आरजेडी इत्तेहाद की सरकार इस वक्त बिहार में बन चुकी है। और कल कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर बड़ी खबर आपको बताते चले, कल बिहार में नई हुकूमत का कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। आरजेडी के 17, जेडीयू के 13 और कांग्रेस से 3 एमएलए वजीर बन सकते हैं। आरजेडी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी हो सकते हैं स्पीकर। तो लगातार बिहार में आपने देखा था कि किस तरीके से सियासत में तब्दीली देखी गई और एनडीए इत्तेहाद की सरकार टूटकर आरजेडी ने सरकार बनाई और कल बिहार में कैबिनेट की तौसी होगी आरजेडी के, जिसमें 17 एमएलए शामिल होंगे, साथ ही साथ जेडीयू के 13 और कांग्रेस से 3 एमएलए वजीर बनाए जाएंगे। आरजेडी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी हो सकते हैं स्पीकर। तो बड़ी खबर बिहार सियासत के हवाले से आपको बताते चलें, कल बिहार में कैबिनेट का एक्सपेंशन किया जाएगा। आरजेडी के 17, जेडीयू के 13 और कांग्रेस के 3 एमएलए वजीर बनेंगे और आरजेडी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी हो सकते हैं स्पीकर। तो कल बिहार की सियासत के लिए अहम दिन। इससे पहले आपने देखा था किस तरीके से एनडीए की सरकार टूटने के बाद बिहार में आरजेडी की सरकार बनी और अब आरजेडी का नया कैबिनेट कल आपको देखने को मिलेगा। कल बिहार में नई सरकार का कैबिनेट एक्सपेंशन होगा जिसमें आरजेडी से सबसे ज्यादा तादाद में 17 एमएलए होंगे और साथ ही साथ एमएलए वजीर बनेंगे। इसके अलावा जेडीयू के 13 एमएलए वजीर बनेंगे और वहीं कांग्रेस के 3 एमएलए ऐसे हैं जिनको वजीर बनाया जाएगा। यानी अब देखना ये अहम होगा कि कौन सा कैबिनेट, कौन सी मिनिस्ट्री किस वजीर को मिलती है और किस तरीके से बिहार की नई हुकूमत का कैबिनेट एक्सपेंशन होता है। तो कल बिहार में कैबिनेट की तौसी की जाएगी। आरजेडी के 17, जेडीयू के 13 और कांग्रेस के 3 एमएलए को वजीर बनाया जाएगा और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी स्पीकर भी मुंतखब किए जाएंगे।